राष्ट्रीय कथावाचक सीहोर वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा को लेकर विधायक विशाल पटेल, शिव महापुराण कथा समिति और कार्यकर्ता रात दिन इस आयोजन को लेकर पूरी इच्छा शक्ति के साथ लगे हुए हैं ताकि यहां पर आने वाला हर भक्त यहां की सुविधा देख अभिभूत हो जाए। वहीं सीहोर में परम पूज्य मिश्रा जी ने लाखों लोगों के बीच कहा कि बैठमा वालों करो तैयारी, बैठमा आ रहे हैं कुबेर भंडारी। गौरतलब है कि कुबेरेश्वर में चल रही कथा में विधायक विशाल पटेल संजय शुक्ला के साथ महाराज जी को निमंत्रण देने गए थे, इसलिए वहीं इस महाउत्सव में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचेंगे। उसके लिए रास्ता, पार्किंग, आने जाने वाले मार्ग के साथ साथ मेला स्थल व कथा स्थल की तैयारी अंतिम चरण में है। आयोजक एवं विधायक विशाल पटेल ने कथा स्थल तक आने वाले मार्ग तथा व्यवस्थित पार्किंग के लिए किसानों से मिलकर उनके खेतों में व अधिक से अधिक भक्तों को ज्यादा न चलना पड़े उसके लिए कथा स्थल के नजदीक ही पार्किंग बनवाने के लिए जगह मुहैया करवा रहे हैं। विधायक विशाल पटेल ने नगरवासियों से अपील की है कि कथा में आने वाले मेहमानों के लिए यथाशक्ति व्यवस्था जुटाने वालों का अभिनंदन है। साथ ही घर घर पीने के पानी की व्यवस्था, कथा स्थल तक पैदल चलकर आने वाले दोपहिया या चार पहिया वाहनों से नहीं आने के साथ ही मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुकान समिति द्वारा आवंटित नहीं की जा रही है, न ही किसी प्रकार का शुल्क लिया जा रहा है। मेला दुकानें पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगा। बैठमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। बैठमा एक बड़ी धार्मिक नगरी है और बैठमा के अंदर मैं समझूं हर एक व्यक्ति का जो जज्बा सामने देखने को मिलता है। जब मैंने शुरुआत करी और निवेदन किया कि मैं यहाँ शिवपुराण कराना चाहता हूँ, जो जन समर्थन मुझे यहाँ मिला वो एक अद्भुतपूर्व है। और ही साथ में मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ समस्त बैठमा के समस्त सभी व्यक्तियों से कि जिस प्रकार से एक बड़े अरसे के बाद बैठमा नगर में एक बड़ी कथा का आयोजन होने जा रहा है, एक बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि जिस दिन मैंने आप लोगों से अपील करी थी, हर एक व्यक्ति ने समझा था कि ये दायित्व हर एक व्यक्ति का है और ये कथा उनके स्वयं, वो खुद भी इसके अंदर सहभागी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं समस्त बैठमा के सभी निवासियों से कि आप सब तो पधारें, कोशिश करें कि नगर की हर एक पूरी जनता जनार्दन जो कथा सुनने आए, महिला हो या पुरुष हो, वो वाहन का उपयोग न करें, स्वयं पैदल ही आए। और भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी बाहर से मेहमान यहां आ रहे हैं उन सबको भी आपकी क्षमता के अनुसार जो भी आप व्यवस्थाएं करना कर सकते हो, वो पानी पीने की व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, कहीं जो कर सकते हो वो आप लोग करें ताकि इस पुनित कार्य को सफल भी हो और इसमें कहीं ना कहीं सहभागिता आप सबकी भी हो। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं एक और कि ये कथा पूर्णतः निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर आप लोगों के सामने आता भी हो तो आप सीधे मुझे संपर्क करें ताकि हम किसी का भी पैसा व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि जो चीज़ निःशुल्क हर चीज़ उपलब्ध है तो उसमें शुल्क किसी चीज़ को देना नहीं चाहिए। मैं पुनः अपील करता हूँ पूरे बैठमा से और बैठमा के आसपास के क्षेत्रों से कि आप सब कथा श्रवण करने जरूर पधारें ताकि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि हो। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।